22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल से एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है, जो रोजाना पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचेगा। एक बड़ी लंबी एक पद यात्रा है, करीब 750 किलोमीटर की, और भोपाल से 60 से 70 लोग जो है यहाँ पर पद यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। रोज़ाना किस तरह से पूरा इनका चलने का कार्यक्रम रहेगा, कैसे मन में आया और किस तरह से आप एक पद यात्रा निकाल रहे हैं? हमारे जो कार्यकर्ता हैं भाई नामदेव जी, हमारे सूरज जी, श्रीवास जी, इन लोगों का मन में विचार था भाई साहब अपन को एक पद यात्रा करना चाहिए, मन में बहुत इच्छा थी। और 26 दिन की पद यात्रा है, 750 किलोमीटर पैदल चलने वाले पूरे युवा कार्यकर्ता, निःशुल्क यात्रा है। सब ने आपस में कलेक्शन करके पूरी व्यवस्था करी इस यात्रा में चलने की, लेकिन गांव-गांव में, शहर शहर में इनकी भोजन की रुकने की व्यवस्था हमारा पूरा हिंदू समाज करने वाला है। 750 किलोमीटर पैदल चलेंगे यहाँ से, भोपाल से सूखी से बनी विश्राम है, फिर हमारा गुलाबगंज, विदिशा, सांची, इसके बाद हमारा गंज वासोदा, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, ईसागढ़, खनियादाना, पिछोर, झांसी, उनाव, नवाबपुर, कालपी, उरई होती हुई यात्रा अयोध्या धाम पहुँचेगी। पूरा 26 दिन इनको पैदल चलना है, 30 से 35 किलोमीटर ये यात्रा रोज चलेगी, और हमारा 26 दिन से हो सकता है 30 दिन भी हो सकते हैं हमको इस यात्रा को सफल करना। पैदल चलने का ही मन में कैसे आए, क्योंकि कई लोग तो अलग अलग साधनों से का आनंद पैदल का ही है। गाड़ी से तो आप एक दिन के अंदर पहुँच जाएंगे, जो भाव है वो मन के अंदर, जो संकल्प है, जो संकल्प लिया है लोगों ने, आपको पता नहीं है। कई लोग तो अपने पंजों के बल पर चल रहे हैं, कई लोग सरे भरते हुए इस यात्रा को कर रहे हैं, कोई साइकिल से कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता ने सोचा हम पैदल चलेंगे, इस पदयात्रा को निकालेंगे। एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, एक साहसिक वृत्ति लोगों के मन में आए, इसलिए यात्रा है। और भगवान के भक्त हैं, पैदल चलना कोई बहुत बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। जब भगवान श्री राम ने 14 साल तक पैदल चलकर वनवास काटा है, ये तो 26 दिन ये लोग चलने वाले हैं, और 26 दिन यात्रा से 26 दिन की यात्रा रहेगी। और भी लोग हैं, कैसे आप लोग भी पैदल चलने वाले हैं, कैसे मन में आया कि पैदल चला जाए? बस सनातन का भाव के आज फिर से हम पूरे सनातनी खुश हैं, पूरे राम भक्त खुश हैं। हर हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि हम इतने वर्षों बाद आज राम भगवान का वापस मंदिर बन रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारे रामलला वापस मंदिर में इसी क्षण को देखने के लिए। उस समय तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, मोदी जी ने कहा है कि 22-23 तक नहीं पहुंची, इसके बाद हम पहुंचेंगे, लेकिन जब भी पहुंचेंगे तो भगवान राम को हम मंदिर में पाएंगे और उनके भव्य निर्माण में पाएंगे। जय जय श्री राम। बिल्कुल, एक बड़ी यात्रा भोपाल से निकलेगी और रोजाना 30 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तब जाकर ये अयोध्या पहुंचेंगे, और अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके इस यात्रा का समापन होगा। तो 22 तारीख को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग अलग अलग तरीके से अयोध्या पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो भोपाल से ये राम भक्तों का एक जत्था पद यात्रा करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।